हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। बात करेंगे टीवीएस मोटर के बारे में, जो कि पिछले 2 महीनों से रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल रही है। किसी भी तरह का खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से साइडवेज ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब फ्रेंड्स, समय आ चुका है, टाइम आ चुका है एक बड़ी तेज़ी दिखाने का, जो कि पिछले दिनों भी हमें बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी 2 महीने पहले, लेकिन 2 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ बड़ी खबरें भी निकल के आई है, Q1 के रिजल्ट्स को लेके काफ़ी शानदार रिव्यू भी निकल के आ रहे हैं, और साथ में इन्वेस्टमेंट्स को लेके काफ़ी तगड़े अनाउंसमेंट हो रहा है, और साथ में एक बड़े टारगेट भी निकल के आ रहे हैं। तो इन खबरों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और इन खबरों के चलते आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आ सकती है, कौन से लेवल पर खरीदारी करने का सही लेवल रह सकता है, और क्या टारगेट निकाल सकते हैं, इन सभी बातों को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, जो खबर निकल के आई है वो आप लोगों के सामने है। हम द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के ऊपर आए हैं, और बताया जा रहा है कि टीवीएस मोटर टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ इन इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल, यानी 1000 करोड़ का फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने जा रही है टीवीएस मोटर इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल में, जो कि आगे आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर है, वो तो इलेक्ट्रिकल का ही है। तो यहाँ पे ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव कदम उठाती हुई टीवीएस मोटर हमें देखने को मिल रही है, और इसका पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी हमें शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आएगा आगे आने वाले दिनों में। और जो दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है Q1 के नतीजों को लेके, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आए हैं। और Q1 के नतीजों की मैं बात करूँ तो टीवीएस मोटर के जो Q1 के नतीजे आएंगे वो तकरीबन 29 जुलाई के दिन Q1 के नतीजे टीवीएस मोटर पेश करेगी, और Q1 के नतीजे आपको काफ़ी बढ़िया भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे शेर खान की ओर से यहाँ पे Q1 के नतीजों के ऊपर रिव्यू निकल के आया है, उसके ऊपर एक नज़र करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तकरीबन 135 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है Q1 के नतीजों में। तो इस खबर को हम थोड़ा विस्तार से देखें तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें नेट सेल्स की, तो नेट सेल्स जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो तकरीबन 189% का यहाँ पे आपको नेट सेल्स इंक्रीज होता हुआ नज़र आ सकता है ईयर बेसिस पे। अगर हम Q1 बेसिस पे देखें तो तकरीबन 22% का यहाँ पे नेट सेल्स आपको डिक्रीज डाउन होता हुआ नज़र आ सकता है, तकरीबन 4151 करोड़ का अकॉर्डिंग टू शेर खान। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट निकल के आई है वो शेर खान की ओर से आई है, तो यहाँ पे आप ऐसा ना समझे कि ये जो डाटा निकल के आए हैं वो 100% सही हो गए, तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि Q1 के नतीजे ऐसे ही आएंगे। यहाँ पे अनुमान लगाए जा रहे हैं दिग्गज ब्रोकरेज की ओर से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम EBITDA की बात करें तो तकरीबन ईयर बेसिस पे 1131 करोड़ का यहाँ पे आपको EBITDA देखने को मिल सकता है, और अगर हम Q1 बेसिस पे देखें तो तकरीबन 217% यहाँ पे EBITDA डिक्रीज डाउन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह से रिव्यू निकल के आया है तो ये थोड़ा नेगेटिव रिव्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स डरने और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जो कि सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्काउंट में ही है फ्रेंड्स। इसके चलते मुझे नहीं लगता है कि कोई गिरावट नज़र आए, और साथ में यहाँ पे एक दिग्गज ब्रोकरेज की ओर से जो टारगेट निकल के आया है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के ऊपर MK ग्लोबल की ओर से एक टारगेट निकल के आया है टीवीएस मोटर के ऊपर, तकरीबन 730 रुपये का टारगेट यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से देखें तो काफ़ी बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। और फ्राइडे के दिन के कारोबार की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा कारोबार रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 1.65 रुपये की बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कुछ खास यहाँ पे तेज़ी के साथ क्लोजिंग नज़र नहीं आई। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 609 रुपये पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी, और ओपनिंग अच्छी गैप अप नज़र आई 611 रुपये पे, हाई बनाया 615 का, लो देखने को मिला 607 रुपये का, और फाइनली क्लोजिंग 611 के आसपास नजर आई। तो ऑलमोस्ट कारोबार का सिचुएशन तो फ्लैट ही रहा था। डिलीवर परसेंटेज की बात करें, क्वांटिटी ट्रेड हुई थी और तकरीबन 12,18,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवर क्वांटिटी की बात करें तो 5,32,000 क्वांटिटी डिलीवर क्वांटिटी नज़र आ रही है, डिलीवर परसेंटेज निकल के आ रहे हैं और 43% के आसपास के डिलीवर परसेंटेज देखने को मिल रहे, यानी अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है फ्रेंड्स। अब चार्ट्स के ऊपर नज़र करते हैं कि किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, टीवीएस मोटर का चार्ट मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे, और जैसा हमने देखा था कि 2 महीनों पहले हमें बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, तकरीबन 525 रुपये से 665 रुपये तक की एक बढ़िया तेज़ी नज़र आई, सिर्फ 3 दिन में तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 महीनों से पूरी तरह से
साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है टीवीएस मोटर। तो बाकी यहाँ पे क्या पॉसिबल लेवल और टारगेट देखने को मिलते हैं उसके ऊपर अगर हम नज़र करें तो यहाँ पे रिसेंटली सपोर्ट एंड लेवल रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात करूँ तो जो सपोर्ट लेवल बन चुका है वो 600 रुपये का आप देख सकते हैं। बार बार 600 रुपये का ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और इसी लेवल से हमें बैक बाउंस देखने को मिल रहा है और उसके नीचे 590, तो 590 से 600 ये जो 10 रुपये का जो रेंज है वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो जो रिसेंटली रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 625 रुपये का, 625 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे आपको 650 और 665 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और 665 के ऊपर डे बेसिस पे भी अगर क्लोजिंग दे दी टीवीएस मोटर ने तो फिर यहाँ पे आपको एक और बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ख़रीदारी करने का जो सही लेवल निकल के आ रहा है वो 600 रुपये का, 600 रुपये पे पोजीशन बनाइए, 690 के नीचे आप एसएल लगा सकते हैं यानी 588 के लेवल पे आप अपना एसएल लगाइए और इसी रेंज के अंदर आप अपनी पोजीशन बनाइए। 600 से 590 का जो रेंज है 10 रुपये का, इस रेंज के अंदर पोजीशन बनाने की मेरी सलाह रहेगी। और यहाँ पे पहला टारगेट 625 का और उसके ऊपर दूसरा टारगेट 665 रुपये तक के टारगेट ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे 625 के ऊपर भी डे बेसिस पे क्लोजिंग दे दी तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे टीवीएस मोटर रॉकेट बनता हुआ नज़र आएगा, जो कि यहाँ पे कुछ ट्रेड लाइन भी बन रही है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पे ट्रेड लाइन बन रहा है। अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी तब भी यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आप इन लेवल को वॉचआउट करें, अपना स्टडी कंडक्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए और ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है तो लंबी अवधि के लिए पोजीशन बनाइए। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द टीवीएस मोटर रॉकेट बनता हुआ नज़र आ सकता है और बड़ी तेज़ी दिखा सकता है। तो डिप में पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी और यहाँ पे फ्रेंड्स बड़े टारगेट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले और चैनल पर नए तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीरोधा में या तो फिर अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।